डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवन्थ मैथ एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट सम करेंगे। सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। ए पार्ट स्टूडेंट्स, ये टर्म्स या एक एक्सप्रेशन दी गई है, इसमें लाइक टर्म को पहले एक जगह लिखना फिर उनको कंबाइन करना है। तो कैसे करते हैं? लाइक टर्म क्या होती है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। लाइक टर्म होती है जिसमें वेरिएबल सेम हो, जैसे इसमें भी वेरिएबल बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो इनको एक जगह कर देंगे। और इसमें भी एक बात का और ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव टर्म है वो एक जगह करना, नेगेटिव एक जगह करना। प्रत्येक रो के आगे इक्वल टू का साइन, 21b प्लस 7b ये हो गई ये, और फिर माइनस 20b, ये कॉन्स्टेंट है, इसको लास्ट में लिख दो। 1, 2, 3, 4 फोर टर्म्स थी, वही फोर टर्म हमने इस रो में लिखी है। हमने सिर्फ क्या किया है, जो लाइक टर्म थी उनको एक जगह लिख दिया। अब इस लाइक टर्म में देखो, 21b एंड 7b ये तो है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव है वो इकट्ठे हो जाएंगे 28b और माइनस 20b अलग रहेगा और ये माइनस 32। अब लाइक टर्म ये है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो जो ज्यादा होगा वो बचेगा। पॉजिटिव तो 28b है और नेगेटिव 20 है, तो पॉजिटिव 8b हमारे पास बच गया और ये माइनस 32 एज इट इज रहेगा और ये हमारा कंप्लीट स्टेप हो गया। और आगे कुछ नहीं करना है इसमें। सेकंड पार्ट, माइनस जेड की 2 प्लस 13z की 2 माइनस 5z प्लस 7z की 3 माइनस 15z। तो देखो, इन दोनों में वेरिएबल जेड की 2 है और पहले ये साथ में दिए गए, तो इनको ऐसे रखेंगे, माइनस जेड की 2 प्लस 13z की 2। अब जेड की 2 वेरिएबल और किसी में भी नहीं है। अब हम लिखेंगे ये माइनस 5z और जेड वेरिएबल एक इसमें है, माइनस 15z, और ये अलग बच गया, प्लस 7z की 3। अब ये लाइक टर्म है दोनों, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये अलग है। अब इसमें देखो, माइनस 1z की 2, जेड के आगे कुछ नहीं तो 1 है ये, माइनस का तो 1z की 2 है और प्लस का 13z की 2 है, तो हमारे पास प्लस के 12z की 2 बच गए। और जब स्टार्टिंग में लिखते हैं तो प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं होता। अब इसमें देखो, नेगेटिव 5z और ये भी नेगेटिव 15z, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होके हो गए नेगेटिव 20z। 5 ये थे और 15 ये थे, दोनों मिला के 20 हो गए और रहेंगे नेगेटिव ही, प्लस 7z की 3। अब अगर आंसर मैच करेंगे तो ये टर्म पे लेते मिलेगी क्योंकि इसकी पावर सबसे ज्यादा है। 7z की 3 प्लस 12z की 2 माइनस 20z, यहां छोड़ देते जब भी ठीक था, ये और ज्यादा ठीक हो गया। ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, पी माइनस ब्रैकेट में पी माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस ब्रैकेट में क्यू माइनस पी। अब इसमें फर्स्ट स्टेप हमारा होगा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, पी माइनस पी प्लस क्यू। ये प्लस क्यों हुआ, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, माइनस क्यू माइनस क्यू प्लस पी, इसके बाहर भी नेगेटिव का साइन था इसलिए ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो गया, ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब लाइक टर्म को एक जगह लिखेंगे, पी पी और ये पी। अब इसमें भी जो पॉजिटिव है उनको पहले लिखो, पी प्लस पी माइनस पी। अब प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स टर्म थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स टर्म यहाँ है। अब देखो,
ये पी भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये 2p हो गया पॉजिटिव और 1p हमारे पास नेगेटिव। अब इसमें 1 क्यों तो है पॉजिटिव और नेगेटिव है ये 1 क्यों और ये 1 क्यों, तो नेगेटिव के कुल मिलाकर हो गए -2q। अभी 2p पॉजिटिव है और 1p नेगेटिव है, तो पॉजिटिव p बच गया। और यहाँ 1q पॉजिटिव है और 2q नेगेटिव है, तो यहाँ माइनस का 1q बच गया, p माइनस q इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। 3a माइनस 2b माइनस ab माइनस a प्लस b माइनस ab, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था, ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया। अब ये ब्रैकेट से बाहर आ चुके हम, प्लस 3ab प्लस b माइनस a, इनका कोई साइन चेंज नहीं होगा, केवल जो ब्रैकेट के अंदर के हैं वो चेंज होंगे। ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है, अब हमने लाइक टर्म को एक जगह लिखना है। a इसमें है, इसमें भी a है और ये भी a है, तो ये लाइक टर्म होंगे। 3a माइनस a माइनस a। अब b देखो किस किस में है, माइनस 2b, अब प्लस b और प्लस b, अब माइनस ab माइनस ab और प्लस 3ab, लाइक टर्म से एक जगह लिख चुके हम। अब अगला स्टेप है इनको कंबाइन करना है, लेकिन कंबाइन कैसे होते हैं, नेगेटिव में नेगेटिव होएगा और पॉजिटिव में पॉजिटिव होएगा। अब ये 3a तो है पॉजिटिव और ये 1a नेगेटिव है, ये 1a नेगेटिव है, तो 3a एज इट इज रखो और नेगेटिव के हो गए 2a, इनको हमने कंबाइन कर दिया, इकट्ठा कर दिया। अब यहाँ नेगेटिव 2b और पॉजिटिव 1b, ये 1b है, तो इकट्ठा मिलाकर 2b हो गया ये। अब यहाँ 1ab नेगेटिव, 1ab नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गए 2ab और पॉजिटिव है हमारे पास 3ab। ये स्टेप समझ में आ गया, तो इसमें कुछ भी नहीं है, एलजेब्रा है ये, एलजेब्रा में कुछ भी नहीं है, अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव आपको समझ में आ गया तो। और 3a पॉजिटिव है, 2a नेगेटिव है, तो पॉजिटिव हमारे पास a बच गया। अब यहाँ 2b नेगेटिव और 2b पॉजिटिव सेम है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ऐसे कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ माइनस 2ab है और प्लस 3ab है, तो प्लस 1ab बच गया, यानी कि प्लस ab लिखेंगे, 1 आगे लिखा नहीं जाता। ये फोर्थ पार्ट हो गया स्टूडेंट्स, अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, 5x2y माइनस 5x2 प्लस 3yx2 माइनस 3y2 प्लस x2 माइनस y2 प्लस 8xy2 माइनस 3y2। पहला स्टेप है लाइक टर्म्स को एक जगह करना है, 5x2y। अब ये देखो x2y और किस में है, ये रहा, इसमें y पहले लिख दिया, x2 बाद में लिख दिया, लेकिन वेरिएबल सेम माने जाते हैं ये। अब इसको हम लिखेंगे 3x2y, ये भी लिख सकते हैं, x को इधर कर दिया, y को इधर कर दिया। अब ये है माइनस 5x2, x2 और देखो किस में है, इसमें प्लस x2। अब आ गए हम इस पे माइनस 3y2, y2 और देखो किस में है, ये रहा माइनस y2 और एक ये रहा माइनस 3y2। अब बच गया ये प्लस 8xy2। अब ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव तो कंबाइन हो जाएंगे, 8
एक्स की टू वाई लिखेंगे हम इसको। अब यहां देखो ये दोनों लाइक टर्म है और ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो 5x की 2 है और पॉजिटिव 1x की 2 है, तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस 4x की 2। अब ये तीनों लाइक टर्म है और तीनों ही नेगेटिव है, तो तीनों ही नेगेटिव है तो तीनों ही कंबाइन हो जाएंगी और कंबाइन होने के बाद भी नेगेटिव ही रहेंगी। माइनस का 3 ये है, माइनस का 1 ये है और माइनस का 3 ये है। माइनस 3 माइनस 1 कितने हो गए माइनस 4 और माइनस 3 हो गए तो माइनस सेवन वाई की 2 प्लस 8 एक्स वाई की 2। इस आंसर को आप यही भी छोड़ सकते हो और इसको हम इसके साथ भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें भी 2 वेरिएबल है, इसमें भी 2 वेरिएबल है, तो ये भी हो सकता है अगर आंसर बिल्कुल मिलाना, तो नहीं तो ये भी आंसर मिला हुआ है 8x की 2y प्लस 8xy की 2 माइनस 4x की 2 माइनस 7y की 2। ये कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, सिक्स्थ पार्ट ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो ऐसे ही ओपन हो जाएगी 3y की 2 प्लस 5y माइनस 4। इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे माइनस 8y प्लस वाई की 2 और प्लस 4। अब लाइक टर्म को एक जगह लिखना है 3y की 2, y की 2 देखो और किस में है ये प्लस y की 2। अब ये लिखेंगे प्लस 5y, y और किस में है ये रहा माइनस 8y, माइनस 4 कांस्टेंट है प्लस 4 कांस्टेंट है। सभी टर्म्स लिखी गई, दोनों लाइक टर्म है और दोनों ही पॉजिटिव है तो ये कंबाइन हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा 4y की 2, 3y की 2 ये है और 1y की 2 ये है, 3 में 1 ऐड किया तो 4 हो गया। ये भी दोनों लाइक टर्म है लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जो ज्यादा है वो बचेंगे, नेगेटिव ज्यादा है तो नेगेटिव बचेंगे, कितने ज्यादा है 3, तो इसलिए माइनस 3y। और ये नेगेटिव का भी 4 और पॉजिटिव का भी 4 तो ये कैंसिल हो गए, आंसर हमारा बच गया 4y की 2 माइनस 3y और फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स।